वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट एंड यूनिक वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाइपर स्टार लुलू सुपरमार्केट का विजिट जो हमने लास्ट नाइट किया है। और आज के विजिट में मैं आपको पिछले जो वीडियो में मैंने सब चीज़ें दिखाई थी उससे कुछ डिफरेंट दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें एक बारी में इतना बड़ा सब कुछ वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए मैं पहले कुछ चीज़ें शेयर की थी और कुछ आज शेयर करूँगी। तो ये थी हमारी एंट्रेंस, आप रन की स्पीड देख सकते हैं किस तरह ये भाग रही है। तो फिर ये जो हाइपर स्टार लुलू मार्केट है ये रियाद में है, सऊदी अरब रियाद में। तो हमारी यहाँ से एंट्रेंस हुई है, हमने तबक्कल ना शो कराया, फिर हमने लिया वहाँ ट्रॉली। ये देखें हम यहाँ पे चेकिंग अभी भी सख्त है, हालांकि यहाँ की काफ़ी तो नरमी हो गई, लेकिन फिर भी तबक्कल ना चेक के बगैर आप इंटर नहीं हो सकते। इसके दो रास्ते हैं, तो ये एग्ज़िट वाला है, तो हम लोग एग्ज़िट से इंटर हुए थे क्योंकि हमें यहाँ से पहले फ्रूट्स वगैरह देखने थे जो कि पिछले व्लॉग में मैं आपको शेयर नहीं कर सकी थी। यहाँ पे इस साइड से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थी जो पिछले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा यहाँ से ही स्टार्ट किया जाए और आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाए दोबारा से। तो ये देखिए जी, हम हो गए थे इंटर और ये पहले स्टार्टिंग में आए थे सारे फ्रूट्स। यहाँ देखें एप्पल्स की इतनी सारी फॉर्म्स थी, गोल्डन, रेड, ग्रीन। तो हम लोगों ने इसमें से ग्रीन एप्पल लिए थे क्योंकि हाँ ग्रीन एप्पल्स का बहुत प्यारा टेस्ट होता है। बाकी आप गोल्डन देख लें, रेड देख लें, पता नहीं कितने किस्म के यहाँ पे एप्पल्स थे, तो बहरहाल हमने चूज़ किया था ग्रीन एप्पल, तो ग्रीन एप्पल लिए थे। ये देखें आपको रेंट किस तरह डाली है शॉपिंग के अंदर। तो ये बाय करने के बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरी तरफ देखा था, तो वहाँ वेजिटेबल्स थी, तो वेजिटेबल्स में थी मूली वगैरह, पालक वगैरह, धनिया, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ रखा हुआ था इस बास्केट में। तो मैंने सोचा यहाँ से लेने का, लेकिन फिर नहीं, ये हमारे साइड से ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो इसलिए हमने इस मार्केट से ये वेजिटेबल्स तो नहीं ली लेकिन फ्रूट्स बाई किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे जाए थे, ये देखें आप ओरिजिन की कितनी सारी वेराइटी, ये हर कंट्री के डिफरेंट नेम से यहाँ पर अरेंज किए होते हैं कि इस कंट्री के ऑरेंज है, इस कंट्री के। तो फिर हम लोग चले गए थे और फ्रूट्स की तरफ, देखिए आप पाइन एप्पल, स्टार फ्रूट, ये आप देख रहे होंगे कि अनार, ये भी दो अलग अलग मुल्क कंट्रीज के थे। तो ये देखिए ये मैंगो, ये भी पता नहीं किस कंट्री का था, इसका नेम मैंने पढ़ा था मगर मुझे याद नहीं, कि एवोकाडो था और साथ ही रखा था अमरूद। फिर हमने यहाँ से लिया पाकिस्तानी अमरूद बकायदा पर कंट्री के नेम के साथ, उसकी वो भी लिखी होती है, आप मर्ज़ी से इसको अपने शॉपर में डालें जितनी आपको क्वान्टिटी लेनी है। तो इसलिए फिर हमने जितनी चाहिए थी वो हमने लिया। फिर यहाँ दूसरी साइड रखे थे, ये देखें ये इस फ्रूट का नाम पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी फ्रूट था, इस गावा टाइप की था। तो ये देखें आप फ्रूट की वैरायटी देखेंगे, एक फ्रूट के 5-6 किस्म यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो आपकी चॉइस है, पपाया भी है, पाइन एप्पल, स्टार फ्रूट। फिर ये सामने जो चीज़ें थी इसमें सब कुछ पैक रखा था, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज थी, ये एप्पल थे, और लेकिन ग्रीन एप्पल्स भी यहाँ पैक थे लेकिन हम लोगों ने वहाँ से बाय किए थे। ये अंगूर थे, इस मौसम के अंगूर खट्टे थे, हम लोगों ने नहीं लिए, पहले पिछली बार बाय किए थे तो ज़रा खट्टे थे, नहीं लिए दोबारा। और यहाँ थी वेजिटेबल्स, ये देखें कितनी प्यारी लग रही थी रखी हुई, इस शिमला मिर्च की फॉर्म, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, और फिर ये थी रेड कश्मीरी मिर्च, ग्रीन, हरी मिर्च, इतनी सारी थी वैरायटी थी। ये सारी थी यहाँ की सब्ज़ियाँ जिसमें वेजिटेबल नहीं लिए क्योंकि ये हमारी तरफ से करीब मार्केट है, वहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, फ्रेश मिल जाती हैं। इसलिए फिर ये देखें ये बेबी टमाटर जिसे कहते हैं, वो पैक कपड़े थे, ये देखें वेजिटेबल्स इस तरह पैक हैं, लेकिन इस पैक का आपको पता नहीं चल सकता कि ख़राब है कि सही है, इसलिए फिर हमने यहाँ से नहीं लिया। ये थी कैरेट्स, इन कैरेट्स का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसको भी हमने इग्नोर कर लिया, हम वहाँ से ले लेंगे। ये देखें कितने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे वेजिटेबल्स थी। ये लास्ट में हमारी आ गई थी पीनट्स, ये बहुत सारी यहाँ पे पीनट्स थी, फिर बनाना थे। और फिर हम नेक्स्ट चले थे अपने पोर्शन की तरफ जहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ें खरीदनी थी, अभी नहीं यहाँ ये आलू, प्याज और दूसरी चीज़ें भी थी। फिर हम चले गए थे फूड कोर्ट की तरफ, ऑफकोर्स यहाँ का फूड कोर्ट बहुत मजे चीज़ें यहाँ की, इधर हमारे इनकी खुशी क्योंकि ये जा रही थी अपनी फेवरेट समोसा खरीदने के लिए। सबसे पहले हमने हुरैन को उसकी दिलाया फेवरेट समोसा, जो कि पंजाबी समोसा कहलाता है, पाकिस्तानी समोसा आप बोल कर उनसे बोला तो वो फिर देते हैं आपको, हमने पाकिस्तानी समोसा
उसके बाद इसके सेकंड इसी पोर्शन में फूड कोर्ट में दूसरी तरफ थे दही बड़े, उनके दही बड़े बहुत टेस्टी हैं और लच्छा कटोरी चाट भी बहुत टेस्टी है। क्योंकि हमने यहाँ से दही बड़े भाई के लच्छा कटोरी चाट नहीं ली थी क्योंकि दही बड़े बहुत यहाँ और रात काफ़ी हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आगे जाके था कैट का खाना, क्योंकि हमारी जो कैट है घर में उसका खाना भी हम लोग यहाँ से बाय करते हैं। क्या होते हैं मुर्गियों के दिल साफ सुथरे तरीके से पैक किया था, तो ये हमें जाके उसको डालते हैं वो खाता शॉप से। फिर यहाँ पे सारा ये छोड़ता नहीं दिया था और फिर मुझे देने की नहीं अच्छी, तो उसका कोई ये भी था मैंने कहा चलो बाइक कर लेते हैं। ये सारा जो है चाय पत्ती का पूरा पोषण है, उसमें आप देखें कितनी सारी वेराइटी हैं, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन जो चीज़ आपने ट्राई की आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो पहले तो मेरा इरादा था ये वाली लेने का लेकिन फिर ये वाली नहीं जो मैं यूज़ करनी है वही मैंने भी ली, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हम आ गए थे डिस्पोजेबल की तरफ, यहाँ से हमने लिए थे कप्स ग्लास, क्योंकि मेरे पास जो कप थे वो काफ़ी बड़े साइज़ में थे, मुझे छोटे साइज़ में चाहिए थे क्योंकि अपने आगे मौसम चेंज है इतना ज़्यादा चाय तो पसंद ही नहीं चाहती। फिर हमने छोटे साइज़ में कप लिए थे और ग्लास लिए थे पानी के लिए डिस्पोजेबल। यहाँ शादी का ये बहुत फ़ायदा है कि डिस्पोजेबल चीज़ आप लेके आराम से यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें अगर मेहमान आ जाए तो आप इन्हें यूज़ करने और एक बार डिस्कार्ड कर दें, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, कहो निकालो रखो। फिर हम लोग नेक्स्ट चले गए थे बेबी स्किन केयर के प्रोडक्ट कर लिए थे। स्टार्टिंग में शूज और स्किन केयर बेबी लोशन वगैरह, क्योंकि बेबी का पोर्शन था फेबी में आ गए थे मेकअप, यहाँ से हमने स्किप किया थी तो बड़ा यहाँ पर रुक के बोलते हैं मेहंदी का, हम मेहंदी ऑलरेडी घर के अंदर बहुत देर हमने फटाफट यहाँ से मेकअप का पोर्शन स्किप करवाया ब्रांड को। फिर हम यहाँ पर आ गए थे वाइप्स की तरफ, फिर हम लोगों ने लिए वाइप्स, तो मैंने जॉनसन के तो घर में थे तो दूसरी कंपनी के यूज़ की वाइप्स बहुत आते हैं, इसलिए फिर हमने ये कंपनी के वाइप्स लिए थे। ट्रॉली से उतार दो ब्रैंड को, ट्रॉली को उतारने के बाद देखा गया तो ब्रैंड हमें मिली वहाँ पे थिएटर्स की तरफ, जो कि देखें बेबी की कितनी बड़ी रेंज है। ये ब्रैंड उनका फीचर्स नज़र आ गए थे, तभी फीचर बिल्कुल नहीं भी थी लेकिन बस वहाँ करने का शौक है, उन्होंने अपनी पसंद का फीडर उठाया डाला ट्रॉली में, उसके बाद जो बाय करने फिर हमने उसे दिया। अच्छी अच्छी रेंज रखी थी, देखिए हम बॉडी लोशन है हज़ारों के हिसाब से हैं कि अपन छोड़ सकते लेकिन आपको फेवरेट चीज़ हो जाके दे सकते हैं। फ्रेंड लवली भी थी यहाँ पर, तो फिर मैंने गार्नियर गार्नियर बहुत अच्छा ब्रांड है, समर के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन पे, तो कल मैंने इसको सोचा नहीं हूँ कि मैं फिर से बैठ गई अच्छा अच्छी होती है ये ग्राइंडर की, इसका छोटा पैकेट पहले ट्राई कर लिया था, पहले छोटे रखे हैं। फिर हम नेक्स्ट चले गए थे वहाँ पे सारी थी ये देखें यहाँ भी ये बॉडी लोशंस हैं सारे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट थे ये सारे हेयर कलर्स थे गार्नियर के और उसके कैरेस्टा के, और ये थे हैंड वॉश, हमने यहाँ से लिया हैंड वॉश लग का। फिर जी हम जा रहे थे अब वापसी की तरफ क्योंकि और कुछ सी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखते हैं आप रेंज देखें कि हेयर ऑयल, हेयर मास्क और ये थे सारे सोप्स, इसमें डेटॉल भी, लक्स भी, स्किन वाइट भी, हर किस्म के सोप यहाँ पे आपको मिलेगा, भले वो पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो, तो यहाँ सब कुछ था और बहुत ह्यूज वेराइटी थी यहाँ पर। ये सारे आ गए थे शैम्पू भी, उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस, ये सारे ड्राई फ्रूट्स रखे गए थे, ये फ्रोजन एरिया में आ गए थे क्योंकि हम उरैन की
बहुत ज़्यादा मेन चीज़ भूल गए थे, उसके बाद तो फिर शॉपिंग कम्प्लीट ही नहीं होती, और वो मेन चीज़ थी ब्रैंड की आइसक्रीम। फिर हम लोग आइसक्रीम के उसमें गए, फटाफट ब्रैंड को आइसक्रीम एक अच्छी सी दिलाई, देखी सारी आइसक्रीम की पूरी थी रेंज एक। यहाँ पर डी आर बहुत अच्छी होती है, लंदन डेयरी बहुत अच्छी होती है। तो पहले फिर मैंने आगे जाके देखा तो कॉन्स वगैरह रखी थी, दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन नहीं फिर ब्रैंड के लिए बेरीज, क्योंकि ये रेड बेरी बहुत शौक से खाती है, इसलिए ब्लू बेरी नहीं ली, रेड बेरी ली, क्योंकि यहाँ पर फ्रोजन बहुत अच्छा मिलता है। फिर रेड बेरीज लेके दी हुरैन को, हुरैन ने अपनी मर्जी की चीज़ ले ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम चूज़ की थी, इस बार मैंने कहा इसको कप वाली आइसक्रीम दिलाई जाए, तो मैंने फिर ली थी बी आर की, लेकिन बी आर में वनीला फ्लेवर लिया था, स्ट्रॉबेरी वगैरह तो नहीं, पिछली बार स्ट्रॉबेरी लिया था तो वो ज़्यादा इतना खास नहीं था, तो बी आर की वनीला फ्लेवर में ली थी आइसक्रीम। इधर लंदन डेयरी इसकी भी बहुत अच्छी रेंज है और ये बहुत टेस्टी होती है, डेयरी मिल्क का भी यहाँ पे ब्रांड बहुत अच्छा है। आइसक्रीम की तो बस पूछे मत, कितनी अच्छी रेंज है यहाँ पर और टेस्टी भी बहुत होती है। और फिर यहाँ से हम निकल गए थे एग्जिट की तरफ, काफ़ी चीज़ें ले ली थी हमने। फिर हुरैन के बाबा गुम हो गए, फिर हम उनको घूमने लगे, तो हमें पता चला कि हुरैन के बाबा हुरैन के लिए स्नैक्स खरीद रहे थे, तो फिर हमें वहाँ से हुरैन के बाबा मिल गए, वहाँ से हमने स्नैक्स लिए। स्नैक्स उन्होंने लिए थे हुरैन के पसंद के, क्योंकि ये बहुत शौक से खाती है। देखें यहाँ स्नैक्स की भी आप देखने की कितनी बड़ी रेंज है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आपको कौन सा खाना कौन सा नहीं। तो लेज यहाँ पे इतने सारी किस्म के थे, प्रिंगल्स बहुत अच्छे होते हैं, गूगल्स हुरैन बहुत शौक थी, तो हमने गूगल्स लिए थे। फिर जी हम फाइनल चले गए थे एग्जिट की तरफ, बिलिंग की तरफ पोर्शन में हमने अपने कराए थे बिलिंग, और ये देखें हुरैन को यहाँ से भी अपनी मर्जी की चीज़ें मिल गई थी। फिर हुरैन की ये फेवरेट चीज़ है, लास्ट में जाते हुए हुरैन लास्ट भी करती है, इसमें हुरैन कॉइन डालती है और फिर लेती है बॉल। ये देखें एक बॉल लेने के बाद इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने मज़ीद कहा हमें एक और चाहिए, फिर से एक और बॉल दिलाई गई। देखें वो कोशिश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस वही बच्ची है ना, इसलिए कुछ से घुमा नहीं, थोड़ा वो टाइट था इसका जो घुमाने वाला राउटर था। फिर बाबा की हेल्प से हुरैन ने एक और बॉल ले ली, उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें जब लास्ट में हम बाहर जा रहे थे तो हुरैन की आप शरारती देखें अपने बाबा के साथ, बाबा आगे आगे भागे तो हुरैन पीछे पकड़ी थी, हमारा एग्जिट हो रहा था।